बैठो प्लीज प्लीज। अज दे इस इतिहासक दिन ते पंजाब सरकार दे परिवार दे विच जो वादा हो रहा है वो परिवार दे मैंबर साडे माल महकमे दे कैबिनेट मिनिस्टर ब्रह्म शंकर जिंपा जी, पंजाब दे चीफ सैकटरी जिन्हां ने पंजाब दे तरक्की दे फैसले जिहड़े ने उन्हां संबंधी फैसले लेने हुंदे ने, सलाहां देनियां हुंदियां, सजैशन्स जां कोई कानूनी रिचना रहिंदियां ने जां उह सारियां दूर करनियां हुंदियां, और जिस वेले थापर कॉलेज दे विच पढ़ रहे सी तां गोल्ड मैडलिस्ट स्टूडेंट ने वह श्री अनुराग वर्मा जी, माल महकमे दे ते फाइनैंसिस दे बहुत ही जानकार जिन्हां दियां उंगलां ते पंजाब दे वित्ती संस्थावां दे हिसाब किताब पए ने, कैप सिन्हा जी अफसर। इस तों इलावा पंजाब दी जिहड़ी अफसरशाही वड्डे अफिसर साहिबान जिन्ने भी और पत्रकार साहिबान, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तो जिन्ने भी मंचां नूं तुसीं रिप्रजेंट करदे हो, तो सब तो वध एक बार फिर मैं कहूँगा जिहड़े जिन्हां दी अज भूरी ते कट्ठ है, जिहड़े अज खुश नसीब नौजवान मुंडे कुड़ियां जिहड़े अज इत्थे नियुक्ति पत्र लैणगे, मैं तुहाडा सारिआं दा इत्थे पहुँचण ते जी आयां नूं कहना ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਫੁੱਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਵਾਜਬ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਦੋਂ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਸਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਚਲੋ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਰੀਆਂ।
आपस की चली गया, जब मैं आ गया मैं तैनू कुछ नहीं कहना, जब तू आ गया तू मैनू कुछ ना कही। जनता वल किसी ने ध्यान नहीं दिता, स्कूलों वल किसी ने ध्यान नहीं दिता, हस्पतालों वल किसी ने ध्यान नहीं दिता, सरकार का रेवन्यू कितों आऊगा किसी ने ध्यान नहीं दिता, नौजवान केड़ी गलों बेचैन ने किसी ने ध्यान नहीं दिता, डिग्रियां उन्होंने इत्थे मिल रही ने इस डिग्री मुताबक काम मिल रहा नहीं किसी ने ध्यान दिता। तो फिर धरने टैंकियां टावर वो तो फिर उस सूबे दे मुर्दाबाद के नारे नाल भरे इत हो चाहे जिदा मर्जी सूबा। मेरी जिम्मेवारी लाई तुसी, मैं इनू जिम्मेवारी कहना, मैं इनू ये नहीं कहता कि तू मैं कुर्सी पर बिठाया, कुर्सियों पर बैठने तो आए नहीं, उन्होंने कुर्सियों तो उठाने आए थे कि उठ खड़ो थोड़े पब्लिक को आ जाओ। सो मैं नहीं समझता कि एक कुर्सी पर या गद्दी पर बिठाना होंदा, वो रवाज तो चले गए पुराने रवाज से राजे राणी वाले, हुण तां लोग चाहते हैं अगले दिन रिजल्ट। इन्ना ज़्यादा जमाना फास्ट हो गया कि हुण तां आपां जदों खाना भी कितें आउंदे आ, तुसीं भी आए होंगे अज, रस्ते च रेस्टोरेंट आउंदे ने, पहली विंडो ते ऑर्डर, दूजी विंडो तो चक्को बर्गर चलो जी, इन्ना टाइम नहीं है हुण कि बह के खाना खाइए, तो ये वो फास्ट जमाना हो गया, ड्राइव थ्रू का जमाना हो गया। तो फिर हुण पुराने जिहड़े बने हुए ने समझ लो कानून जां रीति रिवाज वो तोड़ने पैणगे। जदों भी कोई बंदा, ये गल मेरी याद रख लियो, जदों भी कोई बंदा किसे करप्ट जां किसे गैर प्रभावित जां किसे गलत सिस्टम दे खिलाफ उस सिस्टम नू बदलन बारे कोई गल करदा है जां नारा लाउंदा है, तां इह पक्का है कुदरती है कि उस सिस्टम दा फायदा उठाउण वाले जिहड़े बेनीफिशरी ने उस सिस्टम दे वह बाउंस बैक करते हैं। नहीं नहीं इदां किवें होजूगा, नहीं 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 इदां नहीं हो सकता, इदां ही चलदा हुंदा तां इदां ही चलूगा, नहीं ऐं किवें चलूगा जी। फिर जब शहीद आजम भगत सिंह होरी राजगुरु सुखदेव वर्गे हज़ारां योधे जे वह सोच लेंदे चल आपां की लेना, एडे इन्ने अंग्रेज ने गिणती च भी ने 200 साल तो राज चल रहा सी तो आपां ने की लेना, वो 23-23 साल के क्यों उठे फिर जो भी कहते अपन ने की लेना तो आप इतने होंगे फिर। सो हमेशा जदों सिस्टम तो सहा मंगया जाता है, जदों सिस्टम नू वधिया करन दी गल कीती जांदी है तां बाउंस बैक हुंदा है, सामने रिएक्शन आउंदा है। मैं ये गल तां कह रहा कि जिहड़े अज तुसीं इत्थे आए हो, बहुत सारियां तुहाडियां मावां तुहाडियां भैणां तुहाडे रिश्तेदारां ने सुखणां सुखियां होणगियां, कदों दियां सुखणां सुखियां होणगियां, परमात्मा मेरे बच्चे नूं सरकारी नौकरी मिल जाए तो कबीलदारी घर की लीह ते आ जाऊगी, भैण का विआह कर लाँगे, आ कर लाँगे, वो मतलब बहुत सारा सोचा हुंदा। अज भी बहुत सारियां मावां ने खंड वाला दही खवा के भेजा होगा इत्थे कि जा पुत जाके अज नियुक्ति पत्र लैके आते अपने घर की कबीलदारी सुधर जूगी, लीह ते आ जाऊगी। बहुत वड्डा दिन हुंदा जी किसे मेहनती पढ़े लिखे, क्योंकि तुसीं कंपीटीशन क्लीयर करके आए हो, दस्या गया ना कि लख दे विच्चों 710 क्लीयर होए ने, सो इहदा मतलब तुहाडी मेहनत है, ये तुक्का नहीं लग सकता है, ये तुक्के वाला काम नहीं है कि चल कोई नहीं पेपर कितने कुदरती मैं उसे 20 सवालों का रट्टा लाया से उही 20 सवालों चो 15 आ गए, ना ये तुहाडी मेहनत है इहदे च। सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ना, जिवें कहिंदे साध बनना पैंदा जी, फिर तुसी मैरिट दे विच आए, फिर तुसी अज दा दिन आया है। और सब तो वड्डी गल इह है तुसी जिन्ने बैठे हो एक भी बंदा उठ के कह दो किसी MLA जां मंत्री तक सिफारिश करनी पई,
कोई किसी प्रभावशाली बंदे नूं जां कोई साडी पार्टी दे किसी चेयरमैन नूं जां किसी होर उन्हूं कोई पैसे देने पए? तुहानूं घरे चिट्ठी आई तुहानूं घरे बुलावा होया ना कि आ जाओ? आ फर्क है बस। हुंदे पहला भी सी भर्ती, पेपर पहला भी बहुत वधिया हुंदे सी, नंबर पहला भी बहुत वधिया हुंदे सी, पर चढ़ावे चढ़दे सी। ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਤਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਲਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤ, ਕਲਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਟ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਲਿਸਟਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ, ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ, ਉਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਡੋਨੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ 50,000, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜੂ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਸੇਵਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਤੋਂ, ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ SSP ਅਤੇ DC ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੈਨੂੰ DC ਲਾਤਾ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ TV ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ SSP ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, SSP ਲਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ TV 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ, ਲਾ ਤਾ। ਉਹ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ
मेरे को आया, मैं कहना जी मैं तो बस यही कहना सी भी मैं कदे सोचा नहीं सी कि मैं कदे इस अहुदे ते पहुँच जूँगा। मैं तो आप नहीं सोचा सी यार मेरे जी मैं पहुँच गया हूँ तो तुम पहुँचो ना फिर हूँ ठीक है ना। सो सौन दे अन्ने नु कहिंदे सारा कुछ हरा हरी देता हूँ। मैं कहा मैंने तो सारे मानदार लगी जाने यार चलो करो काम। इदा की टीम कट्ठी की असं जे असी उपरों ही कहीए कि जी करोड़ रुपया महीना तू देना है जितों मर्जी दे, उन्हें जान सार अपने एस पी ते डी एस पी बुलाने भी मैं थोड़े तो 60-60 लख रुपया महीने का लेना जितों मर्जी लियो। उन्होंने कहा एस एच ओ नू कहना गल करते करो मुंशी तक आ जानी है आते पैसे पूरे लोगों तो ही होने ने। अच्छा करोड़ तो वह देगा कट्ठे करोड़ थोड़ी करूगा गले करो वो कट्ठे वध करूगा भी चल मेरा भी हिस्सा बचो इतों चल पैंदा। जे आपां इतों ही ईमानदार अफसर बिना लॉबिंग तो बिना रिश्वत वाले भेज दिए तो वो थले जाके भी काम करते हैं कहते साडा कि कुछ लग्या है। जे साडे तो गौरमेंट उम्मीद करती है तो फिर असी लोगों बेस्ट दे वालों जिहड़ी है वो फैसिलिटी देवे इतों पर इन्ने कि फर्क पै जाता है। देखो सप्प मारते आप खेतों से रहने सप्प कि पास्य मारते सिर आए पास्य पूछ आए पास्य सिर आए पास्य सिर चंडीगढ़ बैठे ने उतने पूछा कुटी जाने पंजाब जो इतों बंद करो। सो ता करके मैं तुम्हें यह कहना क्योंकि मैं थोड़े तो बहुत उम्मीदा ने 201 तो कुड़िया ने जी ये जे अज नियुक्ति पत्र ते मैनू उम्मीद यह है कि तुसी नवा बैच हो नवा खून है नवी सोच है पर तुसी उस सिस्टम ने लड़ना है जिथे कई बार तुसी आप नहीं चाहते होंगे फिर भी इधर उधर दिखने यार नहीं 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 शायद बंदा नहीं कोई लभ्या होना मैं करना है सेवा पानी साढ़े ब्लड च आ गया ना जी। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिना एक तहसील मैं उदो कॉलेज पढ़ता सी सनाम तहसील पैंदी सी मैं सनाम कॉलेज ही पढ़ता सी तहसीलदार वधिया आ गया ईमानदार वधिया घर का मुंडा आ गया रिश्वत नहीं लैंदा सी रजिस्ट्रियां कराउण दी बजुर्ग गया रजिस्ट्री वास्ते टेबल ते रजिस्ट्री अगे कीती उन्हें साइन किए तो बजुर्ग ने थलों दी 5,000 करता। वो कहिंदा वी ये की है कहिंदा वी बेटा 25 दिन पहला इन्नी कि जमीन की हुई रजिस्ट्री कराई सी इत्थी उदो कोई होर मुंडा हुंदा सी हुण वो बदल गया हुण तू आ गया इन्ने लगे सी उदो। वो कहिंदा बाबा जी ये नहीं चलने बापू जी कहिंदा अच्छा जी रेट वध गया हो किन्ने दे दिए हुण कहिंदा नहीं नहीं रेट नहीं वध्या मेरा मतलब सानू गौरमेंट इसे काम की तनखाह दिंदी है मैं साइन करते तुहाडी रजिस्ट्री होगी जाओ आ लोड़ नहीं हैगी। बाहर आ गया जी किमें जिहड़ी है रिश्वत अपने ब्लड च आ गई बाहर आके ना सारा दिन बाहर वसीका नवीसा अपनी रजिस्ट्री दिखाई है कहिंदा यार पढ़ के सुनाई यार कुछ ना कुछ तो गलत होना पैसे नहीं ले यार असी भी नहीं समझते कि जे असी पैसे नहीं दिते काम ठीक हो गया होना कोई ना कोई कमी रह गई थोनू उस सिस्टम के आना पैना जिते धक्के आए हैं ऐ भी कहते हैं भी आ लो जी नहीं घूमना जाता जो मर्जी है जी ये करनी करना जी सेवा पानी। सो ये तुसी तय करना तुसी सच्ची देखियो ईमानदारी वाली रोटी जिहड़ी है ना वो हजम होंदी है जिवें पंजाबी च कहावत है चोरी दे पुत गभरू नहीं होंदे जिहड़ा चोर होंदा है किसी पक्षों उन्हें चोरी की होवे उहनूं नींद नहीं आउंदी क्योंकि उहनूं आप नूं तो पता होंदा ना मैं चोरी की है। पिंड दे विच पुलिस भावें किसी होर दे घरे आवे चोर एवें परले गुआंढियां दे कंध टप के छाल मारदे शायद मैनूं फड़न आए ने क्योंकि उहदे आपदे दिल च चोर होंदा है। सो सच जिहड़ा ना सच बोलने दा इक्को ही फायदा है कि उहनूं इक वारी बोल के दोबारा याद नहीं रखना पैंदा जिथे बोलोगे सच ही बोलोगे। सो ईमानदारी भी इदां दी ईमानदारी भी इदां दी चीज़ है जे एक वारी तुहानूं उहदी आदत पैगी ना थोड़ा बहुत वधिया लगन लग जू भी यार हाँ मैं अच्छ कुछ करके आया मैं अच्छ 2,000 घर की घट्टो घट्ट चुल्हे बाल के आया
मैं भला करके आया, नींद वधिया होगी। इत्थे हैगे ने बड़े वधिया बड़े बड़े जिहड़े जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए, लै कित्थे जाणगे पैसे, दसो मैं इत्थे आ जांदे हिसाब किताब तां इत्थे ने। कहिंदे सर सुरग नरक जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। जिहड़ा आखिरी कपड़ा है ना बंदे नूं मिलदा कफन, उहदे कोई सियाउण नहीं बची हुंदी। और जिन्हां वास्ते करदे फिरदे रहिंदे, बच्चों वास्ते कुछ कर जाइए, ओ ठगी मार ली, ओ ठगी मार ली, इहदी लत्त खिच ली, उधर कर लिया, उहदे वास्ते भी फिर शायर ने लिखिया, कहिंदा जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे गए तेरे घर दे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे गए तेरे घर दे, पैर पसार पियां विच वेड़े चको चको कर दे। जिन्हां वास्ते अद्धी तो वध उमर ना ठगियां मान ते लगा दिंदे, सूरज छिपण नहीं दिंदे, वो कहणगे कोट शमीर वाली भूआ बाद च आजूगी कि चक्कीए, वो फुल्लां ते आजू बाद च, कोई गल नहीं, थोड़ू घंटा रख के राजी नहीं हो। तुसी जम्मे पहला इशनान थोनू किसे ने कराया, पहला इशनान किसे दूजे ने कराया, नाम थोड़ा किसे दूजे ने रखा, पढ़ाई थोनू किसे दूजे ने दिती, नौकरी थोनू किसे दूजे ने दिती। जदों मरोंगे तो जिहड़ा आखिरी इशनान है वह भी दूजा कराऊगा, सिवें तक लेके भी दूजे जाणगे, तो जिहड़ी थोड़े हिस्से की जमीन है जां प्रॉपर्टी है उहनू भी दूजे आपस वंड लैणगे। फिर मेरी मेरी की करी जांदे, अपनी अपनी की करी जांदे, भी जो काम तो सारा कुछ दूजे ने करना। सो इस करके भावें वह कहिंदे हुंदे आ घट खा लो पर अपना खाओ, ईमानदारी का खाओ। हुण अज मैनू इस गल की खुशी है कि मैं जे दसन लग जा तो मैं लंबा भाषण नहीं देना चाहता, मतलब स्कूल दे विच सिख्या टीचर कच्चे अध्यापक किन्ना वड्डा मसला, असी पहलां तां हाई कोर्ट दियां सारियां केस क्लीयर कीते, बड़े बड़े वकील भेज के कि जे टीचरां नूं पक्के करना है तां स्कूल जाण, ओह नियुक्ति पत्र लैके स्कूल जाण, कचहरी ना जाण। 12,710 अध्यापकां दे नाम दे अगों कच्चे लफ्ज़ हटाता जी, तिगड़ियां तनखाहां करतियां, सारे पत्ते मिलणगे, छुट्टियां मिलणगियां, 58 साल तक कोई माई का पुत हटा नहीं सकता उन्हां नूं। फिर बहुत सारे इहो जिहे ने जिन्हां दा हजे भी केस चलदे ने, उन्हां नूं क्लीयर करन ते लगे हुए हैं। फिर स्कूल वाले पासे आ जाइए, स्कूलों का काया पलट कर रहे हैं, इस वक्त अगले दिन नहीं पैनी कि मैं दवाई दस्यो भी किहड़ी लैना, मैं तुसी अपना मोबाइल से अपना पासवर्ड खोलो, तुहाडे सेहत का सारा रिकॉर्ड थोड़े कोल आपदे कोल, भी आह दवाइया मैं हुण तक लईआं ने जी, आह दवाइया मेरे चल रही ने, आह मेरिया रिपोर्टा ने। ते नाल नाल सरकार नूं की फायदा होगा, सरकार नूं फायदा यह होगा साडे कोल सारे पंजाब का हैल्थ का डाटा इकट्ठा हो जूगा कि किहड़े इलाके च किहड़ी बीमारी ज़्यादा वध रही है, ब्लड प्रैशर के मरीज़ किन्ने आ रहे हैं, किहड़े इलाके च किहड़े इलाके शूगर के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, किहड़े इलाके च बच्चों च किहड़ी बीमारी है, तां कि असी टाइम रहिंदे उत्थे स्पैशलिस्ट भेज के आपां उस बीमारी ते काबू पा सके। ये देखो गल कित्थों शुरू हुई है, गल कित्थे तक जांदी है, ये तां हुंदी है जे नीयत साफ होवे। साडी नीयत साफ है, असी पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाउणा चाहुंदे आ, सानूं लंडन कैलीफोर्निया पैरिस दी लोड़ नहीं, सानूं पंजाब चाहीदा। फिर फैसले कर ले, कोई पढ़िया नहीं किसी ने, अफसर मैनू अफसर तो उही ने ना, वो दसते रहते ने जी कहीं कोई नहीं पढ़ता सी फाइलां इत्थे, कहें चलो जी, उहनू कहता उन्हें कहता चलो जी, हो ही गए साइन। पता लग्या सानू जदों बाद च 21-21 साल दे एग्रीमेंट कर ले जी टोल प्लाजे वाले नाल, सड़क भी आप बना के देनी है गौरमेंट ने, सिर्फ पैसे इकट्ठे करन दा एग्रीमेंट है, तुसीं 21 साल पैसे इकट्ठे करने, और
वो शर्तां जिहड़ियां रखी हुई भी जे तुसी सड़क ते पहली बार इन्ने महीने बाद तुसी पूरा लुक पाउणी है जे ना पाई तो समझौता कैंसल हो सकता है, नहीं होया। फिर तुसी एंबूलेंस ते रिकवरी वैन रखनिया ने, तू ट्रक खराब हो गया जो कोई चक के परा करना है, जे तुसी ना ये शर्त पूरी कीता तो तुहाडा अग्रीमेंट कैंसल, नहीं होया जी कुछ। इन्नियां ब्रीचेज ने उच खाते भी आपके खिलाई बैठे ने, मतलब सांझे खाते की जी गरंटी से वह भी खत्म, पर फिर भी टोल प्लाजे चल रहे थे इन्निया बेनिजमिया। तो साढ़े को जो आए सानू कहिंदे जी सानू एक टोल प्लाजे वाले आए, इन्हें टोल प्लाजे वाले ना मैं अंदरलियां गल्लां दस्सदा तुहानू, टोल प्लाजे वाले ना ऐ नहीं कहते भी साढ़ा डेढ़ साल बता दो जी, ये नहीं कहते, ये कहते 431 दिन बता दो जी, आपां नूं ऐला देने ही ने कि गल है, पर जो तुम 365 करके कर दो ना डेढ़ साल बन जाता, वो सवा साल बढ़ जाता वो। असी क्या भी तुम दिन क्यों बधाने, कहते जी करोना, मैं करोना सारे ते आया सीगा, करोना कहड़ा कल टोल प्लाजे ते आया, करोना सारे ते आया सीगा, सारे नूं घाटा पिया। कहते जी किसान अंदोलन करके टोल प्लाजे बंद रहे, मैं कहिंदा मोदी नाल गल करो, साडा थोड़ी करोना, साडा करोना थोड़ी आ, सेंटर नाल गल करो। 12 टोल प्लाजे असी बंद किए जिहड़े अं चली जाते 12, तुसी भी कहना कि टोल प्लाजे तो आए होंगे, इदू तक मैं कहना इदू तक कोई वधिया धंधा ही नहीं, ना कोई पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना, ना कोई कच्चा माल मंगाउणा है, इधरों आया तो पैसे फड़ी जाने, इधरों आया तो पैसे फड़ी जाने, हिस्सा दे जाना बस। जे सरकार सड़क नहीं बना सकती फिर बड़े बड़े भाषण को देंगे, असं सड़क बनाती हाँ, सड़क के जाल बिछाते, सड़क तो प्राइवेट कंपनियां ने बनाइया ने, फिर उन्होंने अपने नाके ला ले, हरेक 20-25-30 किलोमीटर बाद एक टोल प्लाजा आ जाता, सरकारों का फिर की फर्ज रह गया, बसा प्राइवेट, सड़क प्राइवेट, हस्पताल प्राइवेट, यूनिवर्सिटियां प्राइवेट, फिर नौकरियां भी प्राइवेट, सरकारी की रह गया, फिर सरकार कहदे वास्ते है, सरकारों का फर्ज बनता वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा वो आप कंप्लीट करे, लोगों तो टैक्स लेंदी है सरकार, वो टैक्स जिहड़ा वो किसी ना किसी सहूलत के रूप में वापस जाना चाहिए, बिजली के बिल असी माफ किए, सानू कहिंदे रहे असी जो गरंटियां देंदे सी केजरीवाल साहब सी, असी पूरे पंजाब च पेंदे सी कि बिजली के बिल असी पंजाब दे विच जीरो कर देंगे, सानू दूजे पार्टी कहिंदे सी लै पैसे कित्थों आउणगे, असी उन्हां नूं दस्सिया नहीं है पैसे थोड़े चों आउणगे, उन्हां कोल उन्हां दे घर मारे छापे, तुसीं पैसे दी गल्लां छड्डो, नोट गिणन लई मशीनां मिलियां उन्हां दे घरां चों, पैसे उत्थों ही आ रहे ने, किन्ने हज़ार एकड़ असी जिहड़ी जमीनां जिहड़ियां दब्बी बैठे सी ओह छड़ाईआं ने, पैसा किसे गवर्नमेंट कोले घट नहीं हुंदा जी, साडी पार्टी दी मतलब समझ लो 2015 सरकार बनी सी, 8 साल तां दिल्ली च हो गए जी, डेढ़ इत्थे हो गए जी, ना तो कोई रुपया करजे का चढ़न दिता ना दिल्ली ते ना पंजाब ते, ते नाले सारिया सहूलत दित्तियां ने जी, बिजली दे बिल 90% घर बिजली दे बिल पंजाब दे विच माफ ने, और ये भी नहीं है कि कोई पीला कार्ड जां कोई नीला कार्ड ना, चाहे तुसी जनरल कैटेगरी दे हो चाहे SC भाईचारे चो जिहड़े चो मर्जी हो, 600 तों 600 यूनिटां तो घट जे तुहाडा मीटर की रीडिंग है तुहानू बिल जीरो आऊगा, आ भी रहा तुहाडे चो बहुत सारे बिल जीरो आउंदे होणगे, उस बिल नाल की फर्क पिया, उस बिल नाल 5-7 हज़ार रुपया घरें बचण लग गया, उहदे नाल की फर्क पिया, मैनूं एक दोजी मिलिया वह कहिंदा जी मैं दुध दा काम करदा, पहलां मैनू मेरे जिहड़े जिन्हां घरां च मैं दुध पाउणा वो मैंने कदे 3 महीने बाद कदे 4 महीने बाद पैसे देंदे सी, अचानक मैनू वह हरेक महीने पैसे देण लग गए, कहिंदे मैं फिर 2-3 महीने बाद पुछया भी तुसीं ऐ पैसे किवें देण लग गए एकदम, कहिंदे सारे कहिंदे साडा बिजली का बिल जीरो हो गया, उहदे नाल साडे पैसे बचण लग गए, असीं तेरे पैसे देण लग गए, कित्थे तक कबीलदारी चली जांदी है जी। सो आ फर्क है, बिजली के बिल जिहड़े ने वह असीं माफ़ करते कोई, पर बिजली बोर्ड का भी कर्जा नहीं है, 1 रुपया भी पुराने भी इन्हां दे मोड़ रहे हां, एक तो हुंदा ना एक आपां गल्लां नहीं करते फलाने दा यार बाप आपदे जवाकां वास्ते 20 किले जमीन छड्ड गया, 2 दुकानां ने एक शोरूम है ना, ऐं भी विरसे च की छड्ड गया, जे तुसीं मैनू पुछोगे ना भी सरकार च अपने पिछले की छड्ड के गए ने, मैं कहूँगा जी 1,000 करोड़ का कर्जा छड्ड के बिजली बोर्ड का देना है, 9,000 करोड़ का बिजली बोर्ड का कर्जा छड्ड के, असी 5 किश्तों के
वो मोड़ांगे हुण पहली किश्त 1800 करोड़ की देती असी असी कोई नहीं जो छड्ड गए कोई गल नहीं लाहांगे असी लाहांगे उही सरकार है उही अफसर ने उही खजाना है कदे मैं कहा कि खजाना खाली तो उन्होंने कदे कहा खजाना भरया होया नीयत खाली होंदी है थोड़ी खजाना नहीं खाली हो सकता टैक्स पैसे तो अज हुण कल ही अजे रिपोर्ट आई है GST का साडा कलैक्शन वध गई साडी वो पैसा कितने लावे असी थोड़ी तनखाह से लावे असी जो थानू भत्ते देवे वो पैसा असी बिजली के बिल फ्री करा वो थोड़े मैडिकल के बिल फ्री करा चाहे 40 लाख का टैसट हो दिल्ली के फ्री है चाहे कैरोसिन की गोली लेनी हो भी फ्री है सो सरकार का काम हों टैक्स कलैक्शन करके सहूलत दे लोगों तो हूँ जे असी कहने कि 600 यूनिट माफ होना चाहिए भी 2 महीने 600 यूनिट माफ तो मोहल्ला क्लीनिक सारी जी इलाज है फ्री होना चाहिए तो स्कूलों की सिक्ख्या शानदार भी होनी चाहिए है फ्री भी होनी चाहिए तो सानू की कहें प्रधानमंत्री जी की कहें ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं मैं क्या अच्छा असी 300 यूनिट गरीब का माफ कर दिए रेवड़ी तो जिहड़ा 15 लाख वाला पापड़ बेचा सी वो आ गए 15 लाख आ गए जे 15 लाख छड्डो जिहड़े 2-4 हज़ार घरे पिया सी एमरजेंसी वास्ते नोटबंदी जी करके वह भी कढ़ा के लै गए वो मैं कितने रैली से बोलता है नोटबंदी तो बाद भी सब तो वध नोटबंदी का जिहड़ा सब तो वध दुख झलना पिया वो मावां भैणां नूं चलना पिया अपनी आदत होंदी है चंगी आदत होंदी है एक मां भैणां नूं भी आपके घर वाले तो चोरियों थोड़ा जिहा इधर रख लगियां ने भी चल कितें ये तो ऊँ गुरशरले उड़ा दूगा यदा की है यार दोस्तों च भी चल कितने कोई फीस भरनी पै जाती है एमरजेंसी मौके कोई दवाई लैनी पै जाती है अड रख लैंदियां ने नहीं दसदियां उन्हूं मोदी ने रातों रात नोट बंद करते सवेर नूं ना दसण जोगियां ना रखण जोगियां दसदियां ने ता मरदियां ने वो लड़दा कहिंदा कित्थों कुंडी लाई है दस रखदियां ने तां कागज बन जाणगे जाओ जाणा कित्थे मैं कह के कितें गड्डी च बैठण लग्गिया मेरे कोल दो मावां भैणां आईआं शीशा थले करवाया मेरा सिर पलोस के कहिंदियां पुत्ता नोटबंदी वाली गल जमा सच्ची है पेकियां तो बदला के लई आ दसो की गल हुण इहो जिहियां गल्लां जाणदे होणगे आ जिहड़े बैठे तख्तां ते उन्हां नूं तां पंजाबी उन्हां दी 100 तों तां शुरू हुंदी है गिणती उन्हां दी गिणती 100 तों तां शुरू हुंदी है आ BJP दा एक फंक्शन सी पटियाले कैप्टन साहब की बेटी जिहड़ी है भी उहनूं असीं राजनीति च लैके आउणा हुण उहदा पहला भाषण तो उहने कहना सीगा भी मेरे पिता जी ने पटियाले शहर की सुंदरता वास्ते 144 करोड़ रुपये खर्चे तो उन्हें पता की कहा कि मेरे डैड ने पटियाले शहर की सुंदरता लई 144 करोड़ रुपये खर्चे क्योंकि 100 तो कहना होंगे 44 नहीं कहना होंगे इन्हें नहीं पता 69-79 की होंगे ये तो आप ही हाँ सरकारियन ये कॉन्वेंटेरियन मैं तो एक जगह पर कहता से अज भी मैं कहना भी सरकारी स्कूल जड़े ने ना सरकारी स्कूलों ना पढ़ाई के नाल पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट भी होंगी है सब तो पहले सरकारी स्कूल जड़ा बड़ी चीज़ जी सिखाता वो डिसीजन मेकिंग पावर सरकारी स्कूल के बच्चों तो वधिया किसी दिन हो सकती क्यों जो सवेरे घरों निकल गए घरों तो निकल गए फिर बाद फैसला करना पैंता स्कूल जाना या नहीं जाना एड्डा वड्डा डिसीजन है देखो फिर चले गए फिर जाके ये सोच होंदा भी भजना अद्धी छुट्टी वेले आ जां सारी वेले तो फिर कट्ठे रहन दी है ना किवें कट्ठे रखना सारे नूं वो प्रेरणा सरकारी स्कूल चों मिलती है भी भजना कल्ले ने जां दो तीनों नाल ले लिए इस इन्हां कोल कित्थे इहनूं पता ही कक्ख नहीं जी ये पहाड़ां वाले स्कूलों च पढ़िया इहनां नूं की पता पंजाब की धरती ते की हाल चाल है इहनूं तां इह नहीं पता वो कितने गए सी हरसिमरत कौर कहते झनीर वाले पासे
कोई हड़ा पिछली बार की गल पिछले साल की हड़ा हड़ा की कोई मार पै गई सी तो किसी ने कहता किसान ने कहते जी मेरिया हरिया मिर्चा मर गई 2 किले मुआवजा दो। उन्हें पूछ लिया सरपंच तो कहती हरिया मिर्चा का की भाव है वो कहना हरिया बिक जाए मैडम 2500 रुपये लाल बिकती हैं कहना 5500 कहते फिर तुम कम लो तुम हरिया बीज देखो लाल ही बीजा करो सीधिया लै लो मुआवजा इन्हों को। सुखबीर बाल जो डिप्टी सी एम सी गन्ने वाले आ गए भी साढ़े पैसे नहीं दिंदियाँ मिलों वो बारे आ गए कहना हाँ मैंने पता है गन्ना तो बीजना बहुत औखा है वो कहते थोड़ा क्यों पता है कहना बीजना बहुत औखा है कहना गुड़ दिया छोटी छोटी डलियां करके ऐ दबनिया पैदा वो नाल ही मुड़े कहते चलो छोड़ो फिर हम यार आप कौन बिठा रखे से यार उत्थे ये पंजाबी दे वारस बनते हैं पंजाबी लिखनी नहीं आती इन्हों पंजाबी बोलनी नहीं आती इन्हों पढ़नी नहीं आती इन्हों वो असी वारस बना रखे से अपने तुम क्यों नहीं आते भी अगे आओ यंग मुंडे कुड़ियों तुम अज ज्वाइनिंग तुहाडी होगी सरकार दे विच पढ़ लिख के अगे जिस तरह चीफ सैकटरी साहब ने कहा है अगे वड्डे अफसर बनो होर पढ़ो। मैं एक फंक्शन च ऐसे जगह ती बिजली बोर्ड के SDO का नियुक्ति पत्र वंड समारोह सीगा ते मैं इत्थे जदों नियुक्ति पत्र वंडन लगे एक मुंडा मेरे को आया कहिंदा जी ऐसे साल च मेरी तीजी नौकरी है। मैं कहा ऐसे साल तीजी किवें मैंने अफसर दस्या कहने हाँ जी पहला कलर्की वास्ता टैसट पास किया इन्हें तो कलर्की वाला जो नियुक्ति पत्र से थोड़े हथों लिया फिर ये ज्वाइन कर गया जी नौकरी उदो बाद पढ़ता रहे हैड कलर्क टैसट पास कर लिया जी फिर हैड कलर्क भी थोड़े हथों लिया जी इन्हें कहना हूँ फिर पढ़ के अज SDO का नियुक्ति पत्र थोड़े को लैन आया एक साल च 3 मौके कितने 70 साल च एक मौका भी नहीं मिलता सी सुहा फर्क है हुण तुसी मैं तो अज ज़्यादा थोड़ा जा भूमिका बननी है कि जिहड़ा महक विच तुसी जा रहे हो ना वैसे पंजे उंगलां इक्को जिहियां नहीं हुंदियां पर उस महकमे ते भ्रिष्टाचार दा एक लग्या होया दाग लग्या होया कि यार ये तो बस इत्थे तो पैसे चलते चलते ने महकमे दा फिर कहना पंजे उंगलां एक सार नहीं हुंदियां हरेक बंदा इक्को जिहा नहीं हुंदा ईमानदार भी बहुत बैठे ने परे तो परे ईमानदार बैठे ने। हुण तुसीं जदों ये जाओगे एक तो तुहाडा मैं जिन्ने पटवारी कैंडिडेट हो तुसीं बधाई भी दिंदा नाल नाल ये कहना कि तुसीं जाके यह जिहड़ा अपने महकमे का जिहड़ा दाग है उहनूं धो सकदे हो ईमानदारी दे साबण नाल तुसीं धो सकदे हो। कहिंदा माना कि मेरी कमीज पर लाखों दाग हैं पर खुदा का शुक्र है कोई धब्बा नहीं दाग धोते जा सकते ने धब्बे नहीं धोते जा सकते। अज तुहानूं कलम मिल जूगी उस तो बाद काम शुरू कर दूंगी एक खुशखबरी होर मैं थोड़े वास्ते लेके आया अज क्योंकि मैनूं पता है सारा मैं कोई ना मेरे कोई कन्न भर सकता है ना मैनू कोई चुगली करास कर सकता है प्याय कर देंगे मैं सारा कुंगलों से गिणया पै मेरा भी किमें किमें किने किने अगे बंदे रखे हुए ने उन्हों तो कम लेंदे है जी वो सारा ना हुण अज तुसी ट्रेनिंग ते जाओगे तुसी कैंडिडेट बन गए पटवार कैंडिडेट तुसी ट्रेनिंग ते जाओगे ट्रेनिंग ते इस तो पहला पहली गल तो भर्ती नहीं होंदी सी हुण ही अजे असी मैं चीफ सैकटरी साहब नाल गल कर रहे सी पुलिस वांगू असी पटवारी दे भी होर डिपार्टमेंटां दे करांगे हरेक साल जिन्ने भर्ती करने होणगे उहदा पहले ही अनाउंस करांगे कि अगले साल इन्ने पटवारी भर्ती करने ताकि तुसीं तैयारी कर सको इहदी पुलिस दे विच है असीं पहले पुलिस दा भी दस्सदा ताकि फिजिकली टैसट वास्ते तैयारी कर सको। तां ट्रेनिंग ते जदों जांदे सी 5000 रुपया महीना थोनू ट्रेनिंग के दौरान जो वित्ती पत्ता मिलता से तो मैं नहीं लगता कि अज के जमाने च 5000 रुपया एक MSc किए हुए भी ने बिच BTech भी ने MTech भी ने पढ़े लिखे यंग मुंडे कुड़ियाँ तो 5000 रुपया एक लगता जिमें
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲੀ ਟੋਰਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਲਾਗੂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਜਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਪੱਤੇ ਉੱਨੇ ਹੀ ਬਦਲਣਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲਮ ਛੋੜਦੀਆਂ ਧਮਕੇ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਫਿਰ 5,000 ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 18,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ 18,000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਓ ਬਈ ਜਿਵੇਂ 3,500-5,000 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 20,000 ਕੀਤਾ 18,000 ਕੀਤਾ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਲਿਓ ਦੇਣੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਇਹ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕੋ ਪੈਰ ਦੇ ਬੂਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਜੇ 5,000 ਜੋੜੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ 10,000 ਜੁੱਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਪਰ ਇੱਕੋ ਪੈਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪੈਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪੈਰ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਪੈਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਪੈਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੇ 5-6 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਬਣਾ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਆਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਜਿੰਨੇ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਕਮ ਸੋ ਅੱਜ 710 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ 500
86 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ, ਲੋੜ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਕੰਘਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੰਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕੰਘੇ ਦੀ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਘਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਟਵਾਰੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਨੰਬਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਸੂਬਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਲੀਬੀਆ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜੇ, ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ। ਸੋ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਛੱਡੋ ਆਪੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਾਹੇ ਕਲਰਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਅਫਸਰ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਲਰਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨੀਅਤ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸੋ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਲੱਖ 'ਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ 99,999 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘਾਟ ਰੱਖੂਗਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਘਰ ਦੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ 17.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ,
उदो बाद लाफ्टर चैलेंज हिंदी वाले भी आ बड़ा वधिया हो गया सी फिल्मां फुल्मां च काम करदे आपां पैसे पूसे की कोई चक्कर ही नहीं पैना सीगा जी मैं कहिंदा कोई फेल कलाकार सी भी उधरों फेल हो गया इधर आ गया मैनू की लोड़ सी ना मत्था लाउण दी पर फिर मेरे दिल च गल आउंदी सी भगवंत माना हासे भी उदों चंगे लगदे ने जदों चुल्हे च अग बलदी होवे जदों चुल्हे च तक बुझी जांदी है यार फिर हासा जी तो मेरे वर्गे कमले नू किसी ने कहा कहिंदा जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम कार ते ला लैंदा हुण तक तू मेरिया मित्रा पैसे बहुत कमा लैंदा पैसे नाल पोजिशन बनदी कोई कारोबार चला लैंदा धनिया की सूची विच तू भी अपना नाम लिखवा लैंदा अगे जवाब आया गल तां तेरी ठीक है मित्रा मैं पैसे बहुत कमा लैंदा धनिया की सूची विच मैं भी अपना नाम लिखवा लैंदा पर रुखां नाल छावां मिटदियां ये समा सब नूं ढा लैंदा किन्ने धनी हो तुर गए कौन किसी का नाम लैंदा कौन लिखता फिर सच्ची गुरबाणी जे नानक हट्टी पा लैंदा जे गुरु नानक देव जी दुकान खोल के बह जाते तो सज्जन ठग वर्गे नूं कौन सुधारदा मलक भागो ते भाई लालू दीआं रोटियां चों फर्क कौन कढ़दा फिर पंजिआं नाल पहाड़ कौन रोकदा फिर बाबर नूं जावर कहण दी हिम्मत कौन करदा सो हर गल पैसे वास्ते नहीं हुंदी समाज लई साडे गुरुआं ने बड़े वड्डे वड्डे सुनेह दित्ते ने 0.01% भी उन्होंने कदम चिन्हां ते चल जाइए जिंदगी सफल हो जाऊगी दोनों हाथ उपर चक के दो नारे ला दो इनकलाब इनकलाब बोले सो निहाल एक बार फिर मेरे वालों तुहानू तुहाडे सारे परिवारां नू तुहाडे रिश्तेदारां नू दोस्तां मित्रां ते सनेहियां नू सारयां नू बहुत बहुत बधाइयां और उम्मीद करदे आं इस परिवार दे विच तुसी आके इस परिवार का अहम हिस्सा बनोगे ते तुसी इन्ना अहम हिस्सा बनोगे कि यह परिवार जिहड़ा है ये तुहानू नाल लै बिना किते नहीं कोई फैसला करेगा तुहाडे नाल तुहाडे वर्गे आ बहुत बहुत मेहरबानी इन्ने प्यार सत्कार नाल मैनू सुनिया माण इज्जत दिता बहुत बहुत मेहरबानी लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। महंगाई की मार पर अब होगा वार पठानकोट में पहली बार डिजाइनर सूट्स कुर्तीज और फैब्रिक्स सबसे सस्ता सबसे अच्छा डिफेंस रोड ममून पठानकोट कॉन्टैक्ट 9614196141 प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम जी हाँ नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स कुर्तीज और फैब्रिक्स सबसे सस्ता सबसे अच्छा डिफेंस रोड ममून पठानकोट कॉन्टैक्ट 9614196141